नमस्कार, आपका स्वागत है WWE न्यूज़ हिंदी YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस वक्त WWE का स्मैकडाउन ब्रांड रोज से बेहतरीन क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है कि स्मैकडाउन की रेटिंग्स में काफ़ी सुधार आया है और WWE रो को गिरती हुई रेटिंग से लगातार जूझना पड़ रहा है। तो पूरी खबर जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, WWE के तीन ब्रांड है, स्मैकडाउन, रो और NXT। इनमें से स्मैकडाउन ब्रांड यानी कि ब्लू ब्रांड और रो ब्रांड यानी कि रेड ब्रांड WWE के मेन रोस्टर में शामिल है। पहले काफ़ी समय तक WWE का रेड ब्रांड रेटिंग्स के मामले में ब्लू ब्रांड से काफ़ी आगे था, लेकिन वर्तमान समय में रेड ब्रांड को रेटिंग्स के लिए जूझना पड़ रहा है और लगातार उनकी रेटिंग्स में गिरावट आ रही है। वहीं स्मैकडाउन की रेटिंग्स में काफ़ी सुधार आया और ओवरऑल WWE की रेटिंग्स की बात करें तो इसमें भी काफ़ी गिरावट आई है, जिसका कारण दूसरी प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनियों का लगातार आगे बढ़ना है, जिसमें AEW और NJPW WWE के प्रमुख कंपटीटर हैं। वर्तमान समय में स्मैकडाउन WWE का नंबर वन शो बना हुआ है, वहीं कुछ साल पहले तक रो WWE का नंबर वन शो हुआ करता था। हालांकि स्मैकडाउन के फॉक्स नेटवर्क पर जाने के बाद धीरे धीरे ब्लू ब्रांड WWE का नंबर वन ब्रांड बन गया। वर्तमान समय में स्मैकडाउन को नंबर वन शो बनाए रखने में यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज का बहुत बड़ा हाथ है। वहीं रो को लंबे समय से गिरते हुए रेटिंग्स की समस्या से जूझना पड़ रहा है। पिछले कुछ समय से रो के शोज स्मैकडाउन के जितने बेहतरीन नहीं रहे। स्मैकडाउन बेहतर है क्योंकि इस ब्रांड के पास ब्रोक लेसनर, एज और रोमन रेंज जैसे बड़े लीजेंड्स मौजूद हैं। स्मैकडाउन में ब्रोक लेसनर, रे मिस्टीरियो और एज जैसे दिग्गज सुपरस्टार्स मौजूद है। हालांकि रो में दिग्गज सुपरस्टार्स की कमी है। गोल्डबर्ग जरूर रो में कुछ मौकों पर नजर आए, लेकिन वे रो को कुछ खास फायदा नहीं पहुंचा पाए। वहीं स्मैकडाउन में ब्रोक लेसनर की वापसी से इस शो में रोमांच काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। एज भी चोटिल होने से पहले स्मैकडाउन में नियमित रूप से नजर आ रहे थे और उन्होंने भी इस शो को रोमांचक बनाने में अहम योगदान दिया। हालांकि रो में इस तरह के दिग्गज सुपरस्टार्स की कमी है। बता दें, इस हफ्ते स्मैकडाउन में ब्रोक लेसनर के ड्राफ्ट में रो का हिस्सा बनने के संकेत मिले थे। अगर ब्रोक लेसनर सचमुच रो का हिस्सा बनते हैं तो ये रेड ब्रांड के लिए बहुत अच्छी खबर है। ये बात तो पक्की है कि ब्रोक लेसनर की वापसी से रो में रोमांच काफ़ी बढ़ जाएगा। वहीं इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण स्मैकडाउन द्वारा रोमन रेंज को लगातार डोमिनेंट चैंपियन के रूप में बुक करना है। स्मैकडाउन में WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज को डोमिनेंट चैंपियन के रूप में बुक किया गया है और वे पिछले एक साल से ज़्यादा समय से ब्लू ब्रांड में चैंपियन बने हुए हैं। हालांकि स्मैकडाउन के मुकाबले रो के वर्ल्ड चैंपियन को उतनी खास बुकिंग नहीं मिली। पिछले एक साल में रो में ड्रू मैकेंटायर, रैंडी ऑर्टन और उसके बाद एक बार फिर से ड्रू मैकेंटायर को चैंपियन बनाया गया था। इसके बाद द मिज, बॉबी लेशली और अब बिग ई WWE चैंपियन बन चुके हैं। देखा जाए तो रो ने बार बार अपने वर्ल्ड चैंपियन बदले हैं, वहीं स्मैकडाउन ने रोमन रेंज अकेले ही वर्ल्ड चैंपियन के रूप में डोमिनेट किया है। दोस्तों, आपके ओपिनियन क्या है कि स्मैकडाउन रो से बेहतरीन क्यों है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।